हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। सो आज इस लेक्चर में हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। 10th चैप्टर में 2 यूनिट्स है। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ 10.1 ही रिवाइज करने वाले हैं और इस 10.1 यूनिट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर्स कल के लेक्चर में डिस्कस होंगे, ठीक है, मॉर्निंग 7:40 पर। सो देखो, इस चैप्टर में आपको दिया हुआ है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल मार्केट के फीचर्स क्या, फंक्शंस क्या हैं, फाइनेंशियल मार्केट की टाइप्स क्या हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको इस यूनिट में दिए हुए हैं। सबसे पहले तो समझो फाइनेंशियल मार्केट क्या है। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिस मार्केट में फाइनेंशियल एसेट्स में डील किया जाता है। सिमिलर किसी भी मार्केट में अगर हम बात कर रहे हैं तो मार्केट में बेसिकली कोई ना कोई प्रोडक्ट, किसी ना किसी प्रोडक्ट में डील किया जाता है। जिस भी टाइप का, स्पेशल टाइप का अगर प्रोडक्ट डील किया जा रहा है किसी भी मार्केट में, तो उस प्रोडक्ट के नाम से उस मार्केट का नाम पड़ जाता है। तो इस मार्केट में किस चीज की डीलिंग हो रही है, फाइनेंशियल एसेट्स की, फाइनेंसेस की डीलिंग हो रही है इस मार्केट में। सो इसीलिए इस मार्केट का नाम क्या रख दिया गया है, फाइनेंशियल मार्केट। सो फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स बेसिकली जो भी सिक्योरिटीज, इंस्ट्रूमेंट्स कंपनीज रेज करती हैं, सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह कंपनीज रेज करती हैं, इशू करती हैं फंड्स रेज करने के लिए, उन्हें हम नाम देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। समझ आया फाइनेंशियल एसेट्स क्या, कोई भी सिक्योरिटी वगैरह कंपनी इशू कर रही है फंड्स रेज करने के लिए, उसे फाइनेंशियल एसेट क्या कहा जाता है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, जिस मार्केट में फाइनेंशियल एसेट्स डील किए जाते हैं वो होती है फाइनेंशियल मार्केट। नाउ फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या क्या है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या क्या हैं। सबसे पहला फंक्शन है मोबिलाइजिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल इकोनॉमी। सो सबसे पहला फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का मोबिलाइजिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल इकोनॉमी, या फिर प्रोडक्टिव यूजेस आप बोल सकते हो। कि फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, इन्वेस्टर्स को या हाउस होल्ड को जिनके पास सेविंग्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो अपनी सेविंग्स को मूव कर सकते हैं और उन्हें किसी न किसी प्रोडक्टिव यूज के लिए फॉर्मल इकोनॉमी में चैनलाइज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपका पैसा ऐसे सेव करा हुआ पड़ा है तो उससे कुछ भी कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन अगर आप कहीं पर भी पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो उस पैसे को इन्वेस्ट करके क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होती है। मतलब कि अगर आपने 50,000 इन्वेस्ट किया है, उस 50,000 पे आपको 10% रिटर्न मिल रही है, 5,000 हो गया, तो 55,000 जो है वो आपको आपका पैसा हो जाएगा। 50,000 से आपका पैसा कितना हो गया, 55,000। तो इसी तरह से अगर आप अपने सेविंग्स को किसी ना किसी प्रोडक्टिव काम में लगाओगे तो वो पैसा जो है वो इंक्रीज होगा, पैसे से पैसा बनेगा, लेकिन ऐसे ही सेव करके रखेंगे तो वो उतना ही रहने वाला है, इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट्स प्राइजेस, प्राइस डिस्कवरी। फाइनेंशियल मार्केट जो है वो हमें सिक्योरिटीज की, देखो हमने क्या कहा कि फाइनेंशियल मार्केट में हम फाइनेंशियल एसेट्स में डील करते हैं, तो उन फाइनेंशियल एसेट्स का प्राइस क्या होगा, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, कितना प्राइस होना चाहिए उन फाइनेंशियल एसेट्स का, वो प्राइस डिटरमाइन करने में भी हमें फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करती है। कैसे हेल्प करेगी, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस को देखकर, कि जो भी एसेट्स में आप डील कर रहे हो उस एसेट की डिमांड कितनी हो, सिक्योरिटी की डिमांड कितनी है और उस एसेट की सप्लाई कितनी है। अगर डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो प्राइसेस कम होंगे, अगर डिमांड बहुत ज्यादा है सप्लाई कम है, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो प्राइसेस कम होंगे, डिमांड बहुत ज्यादा और सप्लाई कम है तो प्राइसेस ज्यादा होंगे। सो इस तरह से डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस को देखकर फाइनेंशियल मार्केट हमें हेल्प करती है कि प्राइसेस को भी हम डिटरमाइन करें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। जो फाइनेंशियल मार्केट है वो फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम भी करती है। मतलब कि किसी भी टाइम पर अगर आपको अपनी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करना है तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपको फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड करती है कि आप किसी भी टाइम पर अपनी सिक्योरिटीज को बेचकर उन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी
फाइनेंशियल एसेट्स में आप फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू डील करते हो, उनके कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आपको कम बियर करनी पड़ती है। देखो नॉर्मली अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना, देखना कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो ऐसे रिसर्च वगैरह करने में हमारा टाइम भी बहुत जाता है और ट्रांजेक्शन करने में भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बियर करनी पड़ती है। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन सभी कंपनीज के बारे में एक ही जगह पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर आपको रिसर्च करने में टाइम भी कम लगेगा और आपकी कॉस्ट भी जो है वो कम इनकर आपको करनी पड़ेगी। सो क्या करता है फाइनेंशियल मार्केट, रिड्यूसेस दी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। सो ये चार फंक्शंस हैं फाइनेंशियल मार्केट के। एक है कि मोबिलाइज करता है और चैनलाइज करता है सेविंग्स को इनटू प्रोडक्टिव यूज, और लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिड्यूस करता है, और प्राइसेस को डिस्कवर करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कितनी टाइप्स की है, तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो आपकी दो टाइप्स की है, एक होती है मनी मार्केट और दूसरी होती है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, जिस मार्केट में आप शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करते हो उस मार्केट को हम नाम देते हैं मनी मार्केट का, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, जिस मार्केट में हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करते हैं वो है मनी मार्केट, और जिस मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील किया जाता है वो होती है कैपिटल मार्केट। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज मतलब कि ऐसी सिक्योरिटीज जो कि एक साल के अंदर अंदर मैच्योर हो जाएंगी, यानी कि एक साल के अंदर अंदर उन सिक्योरिटीज उन इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करने के बदले में आपने जो फंड्स रेज किए हैं वो आपको वापस करने पड़ेंगे। और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज क्या होती है, जिनके बदले में फंड्स जो है वो आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रेज करते हो, वो होती है आपकी कैपिटल मार्केट। नाउ मनी मार्केट के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि मनी मार्केट मीनिंग आपको पता लग गया मनी मार्केट का क्या है, कि एक ऐसी मार्केट जिसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील किया जाता है। मनी मार्केट के फीचर्स क्या क्या हैं, सबसे पहला फीचर है मनी मार्केट का मोर लिक्विडिटी। मनी मार्केट में जो सिक्योरिटीज में डील की जाती है वो ज़्यादा हाईली लिक्विड होती हैं, क्योंकि बहुत सारी कुछ सिक्योरिटीज़ ऐसी होती है जो कि 15 दिनों में, 16 दिनों में, 20 दिनों में इस तरह से मैच्योर हो जाती है, तो एक साल के अंदर अंदर ही सारी की सारी सिक्योरिटीज़ क्या हैं मैच्योर हो जाती हैं, यानी कि इनके बदले में पैसे वापस कर दिए जाते हैं इन्वेस्टर्स को। तो मनी मार्केट के जो सिक्योरिटीज़ है वो ज़्यादा लिक्विड होती हैं। लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इनमें जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है मनी मार्केट की सिक्योरिटीज़ में वो कम होती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती है और मोर ओवर इन पे ज्यादा खर्चा हमें बियर नहीं करना पड़ता। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स में डील किया जाता है, ये आप लोगों को पता लग गया, ये मैं फीचर्स बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स में डील किया जाता है, कंसिस्ट ऑफ मैनी सब, मैनी सब मार्केट, काफ़ी सारी सब मार्केट्स इस मार्केट का पार्ट होती हैं, और इस मार्केट में ट्रांजैक्शन जो है वो स्पीडली हो जाती है। सो ये पांच फीचर्स हैं मनी मार्केट के, कि लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स में डील किया जाता है, कंसिस्ट ऑफ मैनी सब मार्केट्स, और स्पीडी ट्रांजैक्शन यहाँ पर होती है। सो कंसिस्ट ऑफ सब मार्केट में कौन कौन सी मार्केट आएंगी, सब मनी मार्केट्स कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले देखो सब मनी मार्केट में आता है ट्रेजरी मार्केट, यानी कि आप इसे क्या बोलोगे, ट्रेजरी बिल मार्केट, यानी कि मैं जो आपको अभी करवा रही हूँ टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कितने इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट की हैं, उतने ही मनी मार्केट की सब मार्केट्स होंगी। तो ट्रेजरी बिल मार्केट क्या है, ट्रेजरी बिल एक जीरो कूपन बॉन्ड होता है जिसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता इन्वेस्टर्स को। तो बेसिकली इसमें इन्वेस्टर्स को फायदा कैसे दिया जाता है, कि अगर आपका जो ट्रेजरी बिल है वो 50,000 का है,
तो आप इन्वेस्टर से सिर्फ 47,000 ले रहे हो, लेकिन जब भी ये बिल मैच्योर होगा, पेमेंट करने का टाइम आएगा, तब हम वापस पूरे के पूरे 50,000 ही करेंगे। तो लिए 47,000 से वापस कितने किए 50,000, 3,000 एक्स्ट्रा जो आप उसे वापस कर रहे हो वो है उसका बेनिफिट इस सिक्योरिटी को इशू करने के बदले में। सो बेसिकली यहाँ पर 50,000 रिसीव करके उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, इस तरह से बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है इन्वेस्टर्स को। और मोर ओवर जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो हमेशा 25,000 के मल्टीपल्स में ही इशू किए जाएंगे, यानी कि सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रेजरी बिल क्या होगी 25,000, उसके बाद 50,000, 75,000, 1 लाख, 1 लाख 25,000, इस तरह से 25,000 के मल्टीपल्स में ही ये बिल्स जो है वो इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉल मनी। कॉल मनी बेसिकली, या कॉल मनी या कॉल लोन भी बोल सकते हो, कॉल मनी और कॉल लोन जो होते हैं वो एक बैंक से दूसरे बैंक द्वारा लोन लिया जाता है अपनी कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए, अपनी जो डेली एक्टिविटीज है उनको पूरा करने के लिए। अगर किसी बैंक, कोई बैंक जो है वो अपनी डेली एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए एबल नहीं है, तो उनको एबल करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए, या फिर अपनी कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए अगर एक बैंक दूसरे बैंक से फंड्स रेज कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं कॉल मनी। ये भी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। कमर्शियल पेपर बेसिकली होता है, कमर्शियल पेपर जो है वो काम करता है ब्रिज फाइनेंसिंग का। ब्रिज फाइनेंसिंग का यानी कि लॉन्ग टर्म कमर्शियल पेपर जो है वो काम करता है ब्रिज फाइनेंसिंग का, यानी कि लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करने के लिए, लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज इशू करनी पड़ेंगी, और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज इशू करने के बदले हमें बियर करनी होती है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी आपको सिक्योरिटी इशू करनी है, उस सिक्योरिटी को इशू करने के का जो प्रोसेस होता है उसे फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज बोला जाता है, और उस प्रोसेस में जितना भी खर्चा इनकर होता है उसे नाम दिया जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा भी बियर करने जितने अगर कंपनी के पास पैसे नहीं है तो कंपनी क्या करती है, कमर्शियल पेपर इशू करके वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस को रेज करती है, फ्लोटेशन कॉस्ट बियर करती है, और वो फ्लोटेशन कॉस्ट बियर करके वो इशू करती है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज इशू करने के लिए जो गैप राइज हुआ है उस गैप को कैसे फुलफिल किया जा रहा है, कमर्शियल पेपर को इशू करके। सो कमर्शियल पेपर जो है ब्रिज फाइनेंसिंग का काम करता है। ये आपको 1 मार्क वाले एमसीक्यूज जो होते हैं उसमें पूछा जा सकता है। जीरो कूपन बॉन्ड कौन सा होता है, ब्रिज फाइनेंसिंग किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बेसिकली क्या है, बैंक्स जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करते हैं ताकि लोग ज्यादा डिपॉजिट्स करवाएं। इनकेस अगर लोग जो है वो कम डिपॉजिट्स करवा रहे हैं बैंक में और लोन की डिमांड जो है बैंक के पास ज्यादा है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करके बैंक ज्यादा डिपॉजिट्स को इनकरेज करती है। लास्ट है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल जो है वो आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उससे रिलेटेड होता है। कमर्शियल बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा ही इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या हो रहा है कि जो भी आपको गुड्स लेने के लिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप सप्लायर के नाम पर क्या कर रहे हो, सप्लायर आपके नाम पर क्या कर रहा है, एक कमर्शियल बिल यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर करवा रहा है और आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर डेट को आपको पैसे पे कर दूंगा। अगर मान लो कि सप्लायर के पास भी, मान लो ए ने बी से गुड्स खरीदी, ए ने बी से गुड्स खरीदी है तो ए ने बी को पैसे देने, बी ने क्या किया एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया ए के नाम पर कि तू मुझे आफ्टर थ्री मंथ्स पूरी पेमेंट पे करके जाएगा। अब बी के पास पैसे कब आएंगे, 3 मंथ्स लेटर, लेकिन बी को अभी पेमेंट करनी है सी को। सो बी ने क्या किया, उसे जो बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट हुआ था ए और बी के बीच में वो प्रोवाइड कर दिया बिल ऑफ एक्सचेंज, और इससे उसकी जो फंड की नीड है वो भी पूरी हो गई। अब सी को 3 महीने बाद ए जो है वो पैसे दे देगा। सो इस तरह से कमर्शियल बिल जो है वो भी आपका एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप गुड्स को क्रेडिट पर परचेज करने के लिए क्रिएट करते हो। सो ये पांच जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको आप पढ़ लेना। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल मार्केट।
नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट कौन सी मार्केट है जिसमें हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करते हैं। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील किया जाता है कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट के कौन कौन से फीचर्स होंगे, सबसे पहला तो यही फीचर हो जाएगा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। दूसरा फीचर क्या होगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो ये मार्केट हमारी पूरी करेगी। ये जो मार्केट है वो ट्रेड ऑफ फंक्शन भी परफॉर्म करती है, यानी कि डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस हैं वो आपस में मीट करके प्राइस डिटरमिनेशन में भी हेल्प करती है। कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो इस मार्केट के थ्रू होती है, क्योंकि इस मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज इशू करके फंड्स रेज किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहे हैं, और अगर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो कैपिटल फॉर्मेशन भी होगी। और ये मार्केट हमें लिक्विडिटी क्रिएट करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि कैपिटल मार्केट जो है वो दो टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी मार्केट और दूसरी सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आपने सिक्योरिटीज इशू की फर्स्ट टाइम, सेकेंडरी मार्केट में आप कर सकते हो उस सिक्योरिटीज को सेकंड टाइम भी किसी को बेच सकते हो। तो ये चार पांच फीचर्स हैं कैपिटल मार्केट के कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील किया जाता है, फुलफिल्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, ट्रेड ऑफ फंक्शन, फाइनेंशियल कैपिटल फॉर्मेशन होती है, और ये मार्केट लिक्विडिटी भी क्रिएट करने में हमें हेल्प करती है। नाउ कैपिटल मार्केट जो है वो आगे दो तरह की होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जैसे कि मैंने बताया, जिस मार्केट में आप फर्स्ट टाइम शेयर्स या फिर कोई भी सिक्योरिटी इशू कर रहे हो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, और जिस मार्केट में सेकेंड टाइम एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटीज इशू की हुई है वो आप सेकेंड टाइम इशू कर रहे हो जिस मार्केट में, उस मार्केट को हम नाम देते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के क्या क्या फीचर्स हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इट इज रिलेटेड टू न्यू इशू। प्राइमरी मार्केट जो है वो न्यू इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड होती है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट की कोई भी पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, जो ट्रांजैक्शन हो रही है फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को इशू करने की सिर्फ उसे ही प्राइमरी मार्केट का नाम दिया है, किसी पर्टिकुलर जगह को प्राइमरी मार्केट का नाम नहीं दिया गया। कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट, ये मार्केट सेकेंडरी मार्केट से पहले आएगी, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये मार्केट सेकेंडरी मार्केट से पहले आएगी। और इस मार्केट में सिक्योरिटीज को इशू करने के वेरियस मेथड्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला मेथड है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में आप प्रोस्पेक्टस वगैरह छपवा कर, एडवर्टीजमेंट देकर जनरल पब्लिक को ऑफर कर रहे हो कि आओ भाई हमारी कंपनी की सिक्योरिटीज परचेज कर लो। ऑफर फॉर सेल में आप क्या कर रहे हो, अंडरराइटर्स ब्रोकर के द्वारा प्राइवेटली शेयर्स को, अंडरराइटर और ब्रोकर्स के द्वारा अपनी सिक्योरिटीज को सेल ऑफ कर रहे हो। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को या फिर अपने नॉन पर्संस को ही सिक्योरिटी सेल ऑफ कर रहे हो तो उसे हम बोलेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है राइट इशू। राइट इशू में क्या है कि अगर आपको सिक्योरिटीज इशू करनी है, आपको इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, तो उसमें आपके जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स है सबसे पहले उनके पास राइट है कि वो उनको शेयर्स ऑफर किए जाए, अगर वो खरीदने से मना कर देते हैं देन बाकी जनरल पब्लिक को इशू किए जाएंगे। तो राइट इशू द्वारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी शेयर्स ऑफर करके आप फंड रेज कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मेथड, इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो, इनिशियल पब्लिक इशू कर रहे हो, तो वो भी यहाँ पर एक तरीका आपको दिया गया है। सो ये है प्राइमरी मार्केट के फीचर्स, रिलेटेड टू न्यू इशू से रिलेटेड होते, कोई भी पर्टिकुलर प्लेस नहीं होती, सेकेंडरी मार्केट से पहले आते हैं, और ये वेरियस डिफरेंट मेथड्स है इनके थ्रू प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज जो है वो इशू की जाती है। सेकेंडरी मार्केट का मतलब आपको पता चल गया कि वो मार्केट जिसमें सेकेंड टाइम, ये जो प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज इशू की गई हैं, जब इन्हीं सिक्योरिटीज को आप दूसरी टाइम किसी मार्केट में इशू करोगे उस मार्केट को हम नाम देते हैं सेकेंडरी मार्केट का। तो सेकेंडरी मार्केट के फीचर है इट क्रिएट्स लिक्विडिटी। सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करती है क्योंकि इस मार्केट में आपकी कभी भी किसी भी टाइम पर सिक्योरिटीज को सेल करके उन्हें पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ इशू की गई है, बेच नहीं सकते। अगर बेचोगे तो वो किसका पार्ट बन जाएगी, सेकेंडरी मार्केट का पार्ट बन जाएगी। कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट के बाद आएगी, बिल्कुल सही है ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इट हैज पर्टिकुलर प्लेस।
सेकेंडरी मार्केट की पर्टिकुलर प्लेस है और उस प्लेस का नाम है स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी है वही उनमें डील की जाती है। तो सेकेंडरी मार्केट की पर्टिकुलर प्लेस है भी और नहीं भी अगर है तो जो ट्रांजैक्शन सेकेंड टाइम सिक्योरिटीज को इशू करने की ट्रांजैक्शन हो रही है उसे हम क्या नाम देंगे, सेकेंडरी मार्केट का ही नाम देंगे। लेकिन सेकेंडरी मार्केट की एक पर्टिकुलर प्लेस होती है और उसे नाम दिया जाता है स्टॉक मार्केट का, जिसके बेस पर 10.2 हमारी यूनिट है वो हम नेक्स्ट रीजन लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जो सेकेंडरी मार्केट है वो इनकरेज करती है न्यू इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि देखो इस मार्केट में लिक्विडिटी है ज्यादा कि अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता भी है पैसे तो वो किसी भी टाइम पे अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इन पैसों को सेल ऑफ इन सिक्योरिटीज को सेल ऑफ करके उनको पैसों में कन्वर्ट कर सकता है। सो इस तरह से इन्वेस्टर्स जो है वो इनकरेज होते हैं कि देखो एक तो अगर हम पैसा लगाएंगे तो हमें रिटर्न मिलेगी अच्छी खासी, और अगर हमें जरूरत भी इमरजेंसी क्रिएट होती है तो उनमें हम सिक्योरिटीज को सेल करके उन्हें पैसों में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये न्यू इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकरेज भी करता है। ये चार फीचर्स हैं सेकेंडरी मार्केट के। सो नेक्स्ट कैपिटल मार्केट मनी मार्केट क्या होती है वो आपको समझ आ गया, उनमें डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया कि कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करती है, मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करती है। सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट भी आपको समझ आ गया, सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट में क्या डिफरेंस है वो भी आप लोगों को पता चल गया। सो इतना ही था हमारा आज का रिविजन लेक्चर, इसको अपनी बुक से अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी पॉइंट कोई भी चीज अगर ना समझ आई तो वो पूछ लेना कल के लाइव लेक्चर में 7:40 पर मॉर्निंग में, हम लोग इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करके आने करेंगे। सो आपको क्या करके आना है, इस चैप्टर को पढ़ के अच्छे से प्रिपेयर होके आना है क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। सो ओके, मिलते हैं कल मॉर्निंग में, बाय बाय गाइस, हैव अ गुड।